असर पड़ता है अवाम पे, अवाम अब यहां पे कमेंट्स क्या होंगे, कमेंट्स वही होंगे कि जिस तरह की सिचुएशन अब आपके सामने आएगी, आप सिचुएशन किन को देखेंगे? अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन पाकिस्तानियों से जानेंगे तो ये बाइस हो जाएगी, यानी ये सेल्फ प्रेज नो प्रेज वाली बात होगी कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे। जो एक्चुअली आपको रियलिटी नजर आएगी वो आपको इंडिपेंडेंट मीडिया से, जिनको आप समझते हैं इंडिपेंडेंट लेकिन वो भी अपने टेक्निकल एंड पे उसी लेवल पे चल रहे होते हैं। तो ये वो मामलात हैं जिनको बराहे रास्त असरअंदाज, एक स्ट्रेटेजी 15 में हमने अडॉप्ट की थी कि इनको सोशल मीडिया से दूर कर दिया था, फोन से दूर कर दिया था, इनकी फैमिली मेंबर्स जो जब कॉलिंग कॉल करते थे तो वो सब के लिए चंद नंबर्स थे वो उन्हीं से यूज करते थे। ये स्ट्रेटेजी थी इन द नेम ऑफ फिक्सिंग, इन द नेम ऑफ करप्शन इन क्रिकेट। तो अगर इसको मजीद एलेबोरेट किया जाए तो बहुत सारे स्पेशली फीका खड़ी हो गई कि जी इट्स अगेंस्ट द बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल हु प्ले इन द वर्ल्ड कप, कि वो जो खेल रहे हैं वो अपनी मां से क्यों ना बात करें, अपने बच्चे से बहन से क्यों ना बात करें। तो वो वहां पे आया तो वो कुछ रिलैक्सेशन मिली, लेकिन बोर्ड ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज अभी भी उसी तरह से डिजाइन की है, अभी भी उसी तरह से बनाई है। चीफ सिलेक्टर चाहे कितना बड़ा अच्छा, ताकतवर क्यों ना हो, ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकता। ये चीफ सिलेक्टर जब हम देखते हैं जो टीम फाइनल का, एक चीज पूछना चाह रहा हूं, हमने देखा आईपीएल के अंदर जब स्टार्ट हुआ तभी एक कंट्रोवर्सी आ गई थी और जिन प्लेयर्स के दरमियान बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही उनमें एक धोनी का नाम भी सरे फहरिस्त रहा जो कि टॉप प्लेयर्स में से एक है, फिर जो प्लेइंग साइड में दो तीन प्लेयर्स हैं उनका भी नाम आगे पीछे रहा। और हम देखते हैं कि आईसीसी वहां कोई एक्शन नहीं लेती, अब तक ग्लव्स वाली बात पे कोई खुल के एक्शन नहीं लिया गया जो कि एक्शन ले लेना चाहिए। नहीं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्लियरली बताया कि आपने ये काम किया तो सैंक्शंस भी लगेंगी, फाइंस भी होंगे, नहीं होंगे और मतलब पनिशमेंट का हर लेवल जो उसमें आता है। क्या हम कर लेते तो फिर ये तो सेकंड टाइम हो, नहीं नहीं करने वाली बात नहीं थी इसमें, आपको मैं थोड़ी सी जरा इसकी डिफरेंट अंदाज में बताऊं। सर पहले कैप्स पहनी थी, देखें कैप्स इस सिचुएशन में पहनी गई थी के जिसके बाद में उनको फिर रोक दिया गया था और वो प्रॉपरली स्ट्रेटेजी थी। मैं इस अगर इस पॉइंट पे बात करूंगा तो बहुत ही डिफरेंट बात हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बॉल टेम्परिंग करें या किसी किसी भी मसले में आए तो बोर्ड उनके सर पे खड़ा है, एक दिन नहीं गुजरता सैंक्शन खत्म हुई अगले दिन सिलेक्शन कर लेते हैं वो। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने अपने क्रिकेटर को बचाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया के खिलाफ वादा माफ गुनाह गवाह बना दिया। बिल्कुल सही। बीसीसीआई ने क्या किया, इंडियन ने, उन्होंने अपने फॉर्मर कैप्टन को बचाने के लिए जो उनका कैप्टन जो है अपने आप को आर्मी का भी कैप्टन कहता है, ठीक है जी, ये आप रिकॉर्ड आपके सामने है। ये सब लोग वो थे कि ये सारे के सारे करप्शन में प्रॉपर इन्वॉल्व नजर आए और बीसीसीआई रिक्वेस्ट कर रहा है इंडियन सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज इस इंक्वायरी को जो है वो बाउंड कर दे मीडिया को कि इस पर कोई रिपोर्ट ना हो और उनको इन कैमरा फॉर्मेट में ये रखे, हमारी नेशनल इश्यूज के ऊपर ये बड़ा इसका असर पड़ेगा। उसका जब वो दब गया मामला उसके बाद से अब तक बीसीसीआई यानी क्रिकेट बोर्ड उन्हें सपोर्ट कर रहा है। मैंने आपको तीन एग्जाम्पल्स दी हैं, अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ, जिसने कुछ भी किया ज्यादा को तो आईसीसी ने पकड़ा खुद दी, आपका बस ही नहीं था, और जिस जो आपके पकड़े में आए आपने उनको भी सपोर्ट नहीं किया, यानी आपने अपनों के साथ अपनों जैसा सलूक ही नहीं किया सिरे से। बिल्कुल ठीक। आपको कैसे ये प्लेयर समझे, कैसे आपके क्रिकेटर जो हैं वो बाहर जाते हैं पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, असाइलम लेते हैं, उनके मुल्क से खेलते हैं, वो अपने वीजा लॉ अपनी इमिग्रेशन लॉ में तब्दीलियां करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसा अच्छा, मुल्क, इंग्लैंड जैसा मुल्क, सब आप ले गए हैं सिर्फ और सिर्फ प्लेयर को, तो जब इतनी सपोर्ट वो करते हैं आप नहीं करेंगे तो जो आपका, मेरी बात तो सुने, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, आप जब बात को इस तरफ ले ही गए तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या हमारे क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये वाजे किया गया कि शर्जील ने कितने पैसे लिए, खालिद लतीफ ने कितने पैसे लिए, क्या ये वाजे किया गया, क्या बताया गया कि हुआ क्या था, व्हाट्सएप के क्या मैसेजेस थे, उनका क्या बना और फिर उनके करियर्स कहाँ चले गए, फिर अगर उन्होंने कुछ नहीं भी किया और खाली व्हाट्सएप के हद तक था, पैसे नहीं लिए थे, तो उनकी सजा की किस तरह का तायुन किया गया, ये कोई मैकेनिज्म हमें समझ आया था? कोई ऐसा मैकेनिज्म समझ नहीं आया, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई, कोई ऐसा पनिशमेंट का लेवल, देखिए मेरी बात सुने, जिस तरह से आप अपने लॉ में देखें नेशनल लॉ, लॉ ऑफ द लैंड,
उसमें देखें कि फलां सेक्शन फलां के लिए है, फलां सेक्शन फलां के लिए है। पीसीबी ने जो पनिश किया वो निग्लिजेंस पे किया कि आपने कोताहियां की, कोताही ये की कि आपने टाइमली बताना था, आपने नहीं बताया। तो इससे सिर्फ इंटेंशंस ये साबित हो रहे हैं कि ये है इंटेंशंस की जो एग्जीक्यूशन होती है, यानी जुर्म की इंटेंशंस का होना ये इल्जाम होता है, ये हमेशा से अदारे लगाते हैं। लेकिन इसको क्लियर करना होता है प्लेयर ने, प्लेयर के पास अगर इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है लीगल या इतना पैसा नहीं, आपको पता है दानिश कनेरिया क्यों बैठ के थक के बैठ गया, कितना का पैसा लगा है, आमर बहुत क्यों थक के बैठ गया, आसिफ ने क्यों प्रसू नहीं किया, सुलेमान भट्ट ने क्यों नहीं किया कि वहां पे हर हेयरिंग पे हजारों पाउंड वहां पे खर्च होते हैं, ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वरना ये भी वहां पे खड़े हो जाते कि आप मुझे ये बताएं कि जो प्री मिच्योर डीलिंग के ऊपर किसी को, प्री मिच्योर ऑफेंस के ऊपर किसी को क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसमें नहीं आप लगा सकते, तो हम पे क्यों लगाई। एक स्टिंग ऑपरेशन, ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जो 10, देखे मैं बताऊं, वो 10 और जगहों पे किया गया, फीफा में किया गया, फीफा खड़ा हो गया प्लेयर्स के पास, उसने कहा पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, असल हकायक आएंगे, पकड़ा जा, सिचुएशन चली और स्टिंग ऑपरेशन करने वाला जेल चला गया, जेल चला गया। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ना सिर्फ उन्हें सपोर्ट बंद की बल्कि उनके खिलाफ हो गए। आप देखें आमिर को एक प्रेशर की वजह से लाना पड़ा, सुलेमान भट्ट को जानबूझ के नहीं लेके आ रहे, वो माइंड सेट के सपोर्ट नहीं करना प्लेयर्स को, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक, मोहम्मद यूसुफ, सईद अजमल, मैं आपको इतने प्लेयर्स के नाम गिनवाऊंगा कि शायद आप हैरान हो जाएंगे, इतने लेजेंड्स नहीं है ये, फ्यूचर लेजेंड्स थे। आपने क्या किया इनके साथ, सिर्फ इनको सपोर्ट चाहिए थी, सिर्फ इनको उस लेवल पे पहुंचाना था, आपकी सपोर्ट ने क्या देना था कि अगर कोई लेजेंड जा रहा है तो अच्छे तरीके से अलविदा। अच्छा, मैं चले, ये तो हो गई ना करप्शन वाली बात, हम आपने नाम ले लिया सईद अजमल का, बात कहीं से कहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी सईद अजमल को सपोर्ट तो एक बड़े लीगल वे में चाहिए थी, और सईद अजमल जिस तरह की बॉल्स करता था उसमें क्या इलीगल चीज थी। हमारा बोर्ड अगर उस वक्त खड़ा हो जाता, और हफीज के साथ भी उस तरह नहीं खड़े हुए, वो तो खुद अपनी जंग लड़ता रहा, तीन तीन चार चार बार बेचारा टेस्ट देता रहा, लेकिन सईद अजमल के साथ अगर खड़े हो जाते तो आज यही सईद अजमल इस वर्ल्ड कप का हीरो होने जा रहा होता और फिर रिटायरमेंट ले रहा होता। अरसलान, आपको एक बहुत ही डिफरेंट बात बताऊं कि सईद अजमल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा रहा है, दुनिया में स्पोर्ट्स के हर तरह के मिसाइल वहां पे डिस्कस होते हैं। आपको मारिया शिरापोवा का याद है? जी हाँ बिल्कुल, वहीं से क्लियर हुई, बिल्कुल। आपको टाइसन गे का याद है? वहीं से क्लियर हुआ अमेरिकन एथलीट। बिल्कुल, मैं आपको बार्सिलोना के प्लेयर्स बताता हूं, मैं बड़े बड़े नाम बताता हूं जो लड़ के क्लियर होके वापस आए और उन्होंने दुनिया की जो उस वक्त की उनके गेम्स की रिलेटेड आलमी बॉडीज थी उनको चैलेंज किया। सईद अजमल मेंटली प्रीपेयर था कि वो 15 डिग्री वाले इशू के ऊपर दुनिया में जाएगा और बताएगा कि अगर इसको जल्दी किसी का 15 डिग्री का एंगल जो गेम की जो स्पिरिट को डेंजर कर रहा है तो वो किस तरह से जस्टिफाई करना था आईसीसी ने। लेकिन हमने उसे कहा कि नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको रिटायर होने की जरूरत है। कसब श्रीलंका और किसको बेहतर देख रहे हैं बांग्लादेश में से, जल्दी जल्दी? दोनों टीमें अच्छे अंदाज में खेलेंगी, दोनों के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है क्योंकि तीन तीन मैच